हम हैं रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। हेलो एंड वेलकम टू रेड नेटवर्क। बिग बॉस एक ऐसा रियलिटी शो है जिसका हर कोई दीवाना है। कलर्स चैनल पर हर रात 9 बजे चलने वाले इस शो का हर कोई इंतजार करता है। साल में 3 महीने तक यह शो इतना लोकप्रिय होगा किसी ने सोचा ना होगा। पर क्या आपको पता है इस शो की शुरुआत कैसे हुई? हम आपको बता दें कि नीदरलैंड में एक शो की शुरुआत की गई थी जिसका नाम था बिग ब्रदर। उसी पर आधारित है यह बिग बॉस, जिसे 3 नवंबर 2006 को टेलीविजन चैनल पर शुरू किया गया। उस समय इस शो का होस्ट किया था अरशद वारसी ने। शुरू में लोग इस शो को इतना महत्व नहीं दे रहे थे क्योंकि हर साल इस शो का होस्ट बदल दिया जाता था। शिल्पा शेट्टी, अमिताभ बच्चन, संजय दत्त, यहाँ तक कि फराह खान जैसे स्टार ने भी बिग बॉस को होस्ट किया। मगर जिस टीआरपी की इस शो को जरूरत थी वह उस समय मिली जब बॉलीवुड के मशहूर स्टार सलमान खान ने इसकी होस्टिंग शुरू की। हम बता दें कि 7 अक्टूबर 2010 से सलमान इसे होस्ट कर रहे हैं। इस शो की सबसे खास बात यह है कि यह प्रतियोगियों को सिर्फ हिंदी में ही बात करने की अनुमति देता है। यहाँ किसी भी कंटेस्टेंट पर हाथ उठाने का मतलब साफ होता है कि आप शो के बाहर हैं। कई लोगों का मानना है कि यह शो स्क्रिप्टेड होता है, लेकिन ऐसा है नहीं। हालांकि टीवी सीरियल के कुछ कलाकारों ने इस शो को प्रसिद्ध करने के लिए स्क्रिप्टेड डायलॉग बोले हैं। बिग बॉस की एडिटिंग बेहद जबरदस्त है। इसे टैलेंटेड लोग इस तरह एडिट करते हैं ताकि यह शो लोगों को अपनी ओर बांध कर रखे। 45 मिनट के शो में पूरे दिन का वाक्या दिखाना बेहद मुश्किल होता है, इसलिए इसे ज्यादा मनोरंजक बनाने के लिए इसकी सुपर एडिटिंग की जाती है। बिग बॉस के हर एपिसोड में कोई ना कोई कंट्रोवर्सी होती आई है। मिसाल के तौर पर एक एपिसोड में जब डॉली बिंद्रा थी तब यह शो काफी चर्चित रहा था। हालांकि उनके बर्ताव के कारण उन्हें शो से बाहर कर दिया गया था। स्वामी ओम के बारे में कौन नहीं जानता। उनकी दिन ब दिन बढ़ती बदतमीजियों के कारण खुद सलमान खान ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। और सीजन 12 की बात करें तो घर के नियमों को ताक पर रखकर अपनी मनमानी करने वाले शिवशीष भी निकाले गए। अब बात करते हैं घर में हर वक्त गूंजने वाली बिग बॉस के आवाज की। बिग बॉस चाहते हैं कि ऐसी आवाजें हमेशा सुनने को मिलती है, तो हम आपको यह बता दें कि यह आवाज है वॉइस आर्टिस्ट अतुल कपूर की। जी हाँ, अतुल 2002 से ही वॉइस ओवर आर्टिस्ट की एक्टिंग कर रहे हैं और 2007 में इन्हें बिग बॉस में शामिल किया गया। बिग बॉस हाउस की बात करें तो इसकी साज सज्जा की जिम्मेदारी हर साल अलग अलग डिजाइनर को दी जाती है और यह अलग अलग थीम पर बेस्ड होता है। बिग बॉस का घर बहुत बड़ा है, इसलिए इसकी साफ सफाई और मेंटेनेंस के लिए सफाई कर्मचारी रखे गए हैं जिन्हें टीवी पर नहीं दिखाया जाता। वैसे इस शो में प्रतियोगी ही घर की साफ सफाई करते दिखते हैं। बिग बॉस में जेड गुडी पहली अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगी थी, जबकि बेवॉच की स्टार पामेला एंडरसन बिग बॉस सीजन 4 में सिर्फ 3 दिन के लिए घर में रुकी। इसके लिए उन्हें 2.5 करोड़ रुपए दिए गए। इसी तरह मंदना करीमी को भी दर्शकों ने देखा अपने सर्वाइवल के लिए एक दूसरे को चुनौती देते हुए आगे बढ़ने और इस शो को जीतने की होड़ में कई उतार चढ़ाव को देखना ही इस शो की सबसे बड़ी खासियत है और लोगों ने इसे हर शो में देखा है। बिग बॉस हर बार धूम धड़ाके से शुरू होता है, फिर कुछ विवादों को जन्म देते हुए दर्शकों से विदा हो जाता है एक नए शो की तैयारी करने के लिए। रेड नेटवर्क चैनल के लिए दिल्ली से ईशा। आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। आपसे गुजारिश है YouTube पर रेड नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब बटन के साथ ही घंटी बनी हुई है, उस पर जरूर क्लिक करें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए और आप लगातार जुड़े रहें रेड नेटवर्क के साथ।